शिक्षक साथियों नमस्कार, मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षकों के लिए है जो प्रधानाध्यापक अथवा प्रधान शिक्षक की तैयारी में जी जान से लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में सामान्य विज्ञान अर्थात भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान से प्रश्न दिए जा रहे हैं जो केवल NCERT बुक से संकलित किए गए हैं। चलिए आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। दूसरा प्रश्न, दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R बटा 2। ऑप्शन होगा बी। तीसरा प्रश्न, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो बी आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, यहाँ मीटर सेंटीमीटर में कभी कभी हम लोगों का कन्फ्यूजन होता है, तो आंसर होगा बी। चौथा प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो आंसर होगा लाल। लाल का तरंग दैर्ध्य काफी अधिक होता है, इसलिए इसका झुकाव कम होता है। आंसर होगा सी। पांचवा प्रश्न, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है? आंसर होगा बी, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि हमारे नेत्र में उत्तल लेंस होता है। छह नंबर प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, मतलब क्यों नीला प्रतीत होता है? इसका आंसर होगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां प्रकीर्णन होगा। सातवां प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। हम जानते हैं अवतल दर्पण के प्रयोग में कि इससे दाढ़ी बनाने का काम किया जाता है, अर्थात चेहरा बड़ा दिखाई दे। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर होगा आठ का सी, अवतल लेंस। नौ नंबर, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो यहां आंसर होगा ए, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने की बात हो तो गैल्वेनोमीटर ही होता है। आंसर होगा ए। दस नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? यहां ध्यान रखिएगा, जब भी अंगूठा आए तो यहां मैक्सवेल होगा। एनसीईआरटी में दक्षिण हस्त अंगुष्ट नियम लिखा हुआ है, तो आंसर होगा डी, मैक्सवेल। ग्यारह नंबर, विभवांतर का SI मात्रक होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आंसर होगा ए। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? आंसर होगा ए, श्रेणी क्रम। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध का संयोजन होता है तो मान सर्वाधिक होता है, और समांतर क्रम में सबसे कम मान पाया जाता है। 13 नंबर, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? इसमें आंसर होगा ए, काल्पनिक। 14 नंबर प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? सी आंसर होगा 3.6 × 10^6 जूल। आंसर सी। 15 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, नवीकरणीय का मतलब कि वह ऊर्जा फिर से तैयार हो जाए, तो यहां होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो एक बार समाप्त होगी तो फिर वो तैयार नहीं हो पाता है। कोयला भी फिर से तैयार नहीं होता है, मतलब नवीकरणीय स्रोत नहीं है, इसको बनने में बहुत सारा समय लग जाता है, और प्राकृतिक गैस के साथ भी यही है। तो आंसर होगा सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय है, बी। 16 का आंसर होगा ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। 17 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा
लाल भी है, नीला, हरा, तीनों होता है, प्राइमरी कलर बोलते हैं इसको। तो उपरोक्त सभी आंसर होगा डी। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा डी, आयरिस। आयरिस जो है ये रंगीन भाग होता है हमारे नेत्र का। 19 नंबर प्रश्न, एक एचपी बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि एक एचपी 746 वाट के बराबर होता है, आंसर होगा ए। 20 नंबर प्रश्न, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, यहाँ अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास में जो होता है उत्तल लेंस होता है, क्योंकि इससे छोटे लेटर को, छोटे अक्षर को बड़ा बड़ा देख के पढ़ा जाता है। 21 गतिशील कण है, तो यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है, तो डी आंसर होगा इसका। 22 नंबर, एम्पियर घंटा मात्रक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा, अर्थात चार्ज का, आंसर होगा बी। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, और शक्ति जो है वो ऊर्जा की दर होती है, यहाँ आंसर होगा ए, जूल पर सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक है, 24 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है, तो यहाँ आंसर होगा ए, एम्पियर। 25 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? यहाँ आंसर होगा CO2, आंसर सी। 26 नंबर प्रश्न, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आंसर होगा ए, इसे उपचयन की अभिक्रिया कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो कली चूना पर जब हम जल डालते हैं तो हम देखते हैं कि वहां से बहुत ही ऊष्मा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए आंसर होगा ए, ऊष्मा छेपी। 28 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? 28 नंबर प्रश्न में तो यहाँ जितने भी तत्व दिए गए हैं इसमें कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, आंसर होगा ए, Cu। चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो यहाँ आंसर होगा डी, CaOH2। 30 नंबर प्रश्न, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाल लिटमस को नीला किया जाता है, अर्थात विलयन जो है वो क्षारकीय होगा, और क्षार का पीएच हम जानते हैं कि 7 से अधिक होता है, तो यहाँ पर 11 भी 7 से अधिक है, 10 भी 7 से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर होगा डी, ए और बी दोनों, अर्थात 11 और 10 दोनों, आंसर होगा डी। 31 नंबर प्रश्न, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो यहाँ आंसर होगा सी, 3, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, सी आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? 32 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ए, C6H12O6, अर्थात C6H12O6, आंसर नंबर ए। 33 नंबर प्रश्न, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? आंसर होगा ए, साबुन। 34 नंबर प्रश्न, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? यहां आंसर होगा ए, एल्डिहाइड, ये CHO होता है।
35 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, तो चार विकल्प है, तो इसमें से विकल्प होगा ए सही होगा, घटती है। क्यों? क्योंकि बाएं से दाएं जैसे जैसे जाते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक एक करके बढ़ते जाते हैं, जिससे केंद्र से और बाहरी कक्षा से दबाव बढ़ता है और उसकी त्रिज्या थोड़ी सी घटती चली जाती है, तो आंसर होगा ए। छत्तीस नंबर प्रश्न, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, मतलब अधातु गुण को बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, जो अधिक धात्विक होगा वो पहले होगा और जो सबसे कम धात्विक अर्थात जो अधातु होगा तो अंत में होगा, यहां आंसर होगा बी, एल आई लिथियम, बी ई बेरिलियम, सी कार्बन, ओ ऑक्सीजन, एफ फ्लोरीन, इस तरह से यहां हो जाएगा आंसर नंबर बी। 37 सिलिकॉन क्या है, तो 37 का आंसर होगा उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, पीरियडिक टेबल जब देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। 38 नंबर, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, 38 नंबर का आंसर होगा सी सोडियम, क्योंकि यह आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर है और ये सभी धनात्मक होते हैं क्योंकि ये धनायन भी बनाते हैं। 38, अब इसके बाद अगला प्रश्न 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, आंसर होगा बी उत्तराखंड। 40 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, तो हम एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं कि सोडियम को केरोसिन धातु में डुबा कर रखा जाता है, आंसर होगा बी। तो मुझे विश्वास है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, आपको वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें, और अगर किसी टॉपिक पे चाहे वो टॉपिक सामान्य ज्ञान से हो, सामान्य विज्ञान से हो या मैथ से रिलेटेड हो, अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप निःसंकोच कमेंट करें। मेरे चैनल पे शिक्षक शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित वीडियो अपडेट समय समय पर दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद।